हेलो नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। फिर से आया हूँ आपके सामने भाई और रेसिपी लेके आया हूँ। क्या पता है स्वीट डिश ही लेके आया हूँ। और क्या ये टनटनाते रहता है हमारे ऊपर भाई, ये वरदान है हमारा, मतलब भोलेनाथ का वरदान मिला है हमें, ये देख रहे हैं टनटना रहा है। तो चलिए रेसिपी पे चलते हैं। और रेसिपी लेके आया हूँ मैं सेवई फ्रूट कस्टर्ड, मिनटों में बन जाता है। कोई गेस्ट आए खिलाइए, खुश होके जाएगा आपके यहाँ से और बच्चे बहुत चाव से खाएंगे। इसलिए अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप लोग शायद मुझे भूल गए हैं लेकिन मैं आपको याद करता हूँ, कमेंट करिएगा अच्छे। और जो जिन लोगों ने अभी तक सिर्फ देखते हैं ना, सब्सक्राइब नहीं करते, भैया सब्सक्राइब कर दो, अच्छी अच्छी चीज़ें लाता हूँ। चलिए एक कढ़ाई रखी है मैंने, 2 टीस्पून मैं देसी घी ले रहा हूं। ये मैंने मोटी वाली सेवई ली है, ये लगभग 50 ग्राम है सेवई। आप पतली वाली भी ले सकते हैं लेकिन मोटी वाली ज्यादा बेहतर होगी। बस सेवई को हमें ना बिल्कुल गोल्डन ब्राउन भूनना है। अगर आपके भुनी हुई सेवई हो फिर भी आप थोड़ी सी घी में भून लें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसे आपको मीडियम टू लो फ्लेम में बहुत ही अच्छे से भूनना है सुनहरा होने तक। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है, ड्राई फ्रूट्स को मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। काजू बादाम लिया है और एक किशमिश ली है, किशमिश को हम बाद में फ्राई करेंगे, काजू बादाम इसी में डाल दे रहे हैं। और हल्का सा इसे भी हम फ्राई कर ले रहे हैं, रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया है और सेम वेसल में मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध लिया है मैंने। इसे अच्छे से एक बॉयल आने देंगे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे। जब तक दूध हमारे बॉयल हो रहे हैं यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये वेनिला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर है। 2 टीस्पून हम वेनिला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे, आप चाहे तो बटर स्कॉच भी डाल सकते हैं। बस यहीं पे 4 टीस्पून मैंने इसमें हल्का गुनगुना दूध डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें ताकि लम्स बिल्कुल ना पड़े। इसे बिल्कुल मिक्स कर ले रहे हैं हम अच्छे से। यहाँ दूध में हमारे बॉयल अच्छे से आ गया है, गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसमें जो सेवई थी इसे ऐड कर देंगे और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे बिल्कुल सेवई के पक जाने तक पकाना है। सेवई हमारी अच्छे से पक गई है, यहीं पर मैंने 4 बड़े चम्मच चीनी लिए हैं। आप मीठा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप 5 से 6 बड़े चम्मच ले लीजिए। चीनी को अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं, शक्कर डालने के 1 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। और यहीं पे जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार किया है इसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालिए और मिक्स करते जाइए, गैस की फ्लेम आप लो कर दीजिए, लो फ्लेम पर आपको इसे पकाना है। कस्टर्ड का मिक्सचर डालने के बाद मैंने इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लिया है और देखिए हमारी जो सेवई है गाढ़ी हो गई है। इससे ज़्यादा आप ना पकाएं नहीं तो ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा जम जाएगी। अगर आपकी ठंडी होने के बाद सेवई थोड़ी गाढ़ी लगे तो आप थोड़ा सा इसमें गर्म दूध मिला लीजिए। बस गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे हम फ्रिज में रखेंगे, थोड़ा नॉर्मल हो जाए फिर फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के। ठंडी होने के बाद मैंने इसे 1 घंटे तक फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी इसकी ठीक है। आपको ज़्यादा गाढ़ी लगे तो इसमें आप थोड़ी सी गर्म दूध मिला लीजिए। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। ये जो फ्रूट्स कट करके मैंने रखे थे स्टार्टिंग में, चलिए इससे अब हम डेकोरेट करेंगे अपने सेवई कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्ड को।